हेलो बडीज, मैं हूँ विजेता। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिप एंड टॉक। और आज मैं कोई भी चैलेंज वीडियो नहीं लाई हूँ, क्योंकि मेरा आंखों में थोड़ा सा सूजन हो गया है और वो कंडीशन और भी बदतर हो गया था। एक हफ्ते से मैं आंखों को लेके बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, इसलिए मैं कोई चैलेंज नहीं कर पाई। बल्कि जो कर रही थी, जो मेरा एक्टिविटी था, वो भी डाउन हो गया। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी आंखों की वजह से। एक चीज़ अच्छा हुआ कि मेरा फ़ोन छूट गया। मैं फ़ोन यूज़ करना बहुत ही कम कर दिया, जो कि मुझे रियलाइज्ड हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ मेरे लिए। मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए तो कैसा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कि नहीं। इसलिए कोई चैलेंज वीडियो नहीं है। तो मेरा चैनल बेस्ड ऑन ट्रैवलिंग है, जो कि मैंने इस कोविड के वजह से चैलेंज वीडियो अब डालना शुरू कर दिया। तो 9 महीने पहले मैं घर गई थी, वहाँ एक राजबाड़ी है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो अगर नहीं देखा होगा तो। जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती हूँ तब मुझे घर का बहुत याद आता है, तब मैं ये सब वीडियो देखती रहती हूँ। तो देखते देखते मुझे याद आया कि तब मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे जो नहीं डाला, नहीं वीडियो बनाया। तो सोचा कि इस बार मैंने कोई चैलेंज वीडियो नहीं बनाया है तो वही क्लिप्स मैं डाल लूँ, तो शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। तो चलो देख लेते हैं पहले वीडियो। मेनली मैं भाई दोस्त के लिए ही घर गई थी और बहुत ही ज़्यादा मस्ती हुआ था। मैंने सोचा ये क्लिप्स भी है तो ये भी डाल देती हूँ, याद हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा। एक फिर ये मेरी कज़न है जिसका बर्थडे भी था, जो हम एक साथ मिलके सेलिब्रेट भी किए। और ये मेरे इन-लॉज का घर, जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। फिशिंग करने के लिए ये रेडी किया जा रहा है, अब फिशिंग होगा। যারা আমাকে চেনো কিংবা আমার বাপের বাড়ির সাইডে থাকো তাদেরকে বলি, এটা হচ্ছে খড়খড়ি ব্রিজ যেটা জঙ্গিপুরে আছে। এটা হচ্ছে খড়খড়ি নদী যেটার উপরে আমরা বাস করি, মানে আমি শ্বশুরবাড়ি গেলে থাকি। ইয়ে হ্যাঁ মিট্টি কা চুলা, জো শহরো মে শায়দ দিখতাই নেই, লেকিন হ্যাঁ हम लोग जो गांव के हैं उसके लिए ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। और ये है मेरे गांव की गलियां, जिसे कहते हैं गांव की गलियां। और गांव में ऐसे बच्चे आसपास खेलते हुए मिल जाते हैं जो कि बहुत ही क्यूट लगते हैं। यहाँ तो गाय देखने के लिए गौशाला जाना पड़ता है, लेकिन गांव में लगभग हर एक घर में गौ माता की दर्शन हो ही जाता है। बिजनेस है अंडे का, फिर मुर्गी का, तो ये पहला जेनरेशन है अंडा। इस अंडे के अंदर हिल रहा था, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रहा था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, उठा लिया हाथ में।
हाथ में लेते ही हाथ के अंदर ही हिलने लगा और मेरा एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। मैं इतना खुश हुई, मैं ऐसा पहली बार देखा था कि ऐसा हो रहा है, मैं सुपर एक्साइटेड हो गई। और ये है सेकंड जनरेशन चूज़े। मैंने छोटे छोटे चूज़े तो देखे हुए हैं लेकिन एक साथ इतने सारे चूज़े नहीं देखे। ये लोग मुझे देख के डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे और भागते हुए तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और ये है थर्ड जनरेशन मुर्गा मुर्गी जो भी हो, और इन लोगों के साथ मैं पसंद नहीं आई, मुझे देख के इतना चिल्लाने लगे। मैं इसका नाम भूल गई। मेरे भाई के घर में बहुत सारे पेट्स हैं, ये उनमें से एक है जिसको समझ नहीं आ रहा था मेरे पास आना कि नहीं आना है। एक बार आ रहे थे, एक बार जा रहे थे, कन्फ्यूज्ड है, लो भाग गई। फिर आए थोड़ी देर मेरे पास। ये दूसरी है, इसका नाम शायद मैकाओ है और बहुत चिल्लाती है, मुझे देख के इतना गुस्सा हो रही थी कि इधर उधर भाग रही थी। ये थर्ड है जो कि बहुत अच्छा है, मेरे खुद में एकदम बच्चे की तरह आ गया, मैंने उसके साथ थोड़ा खेला। तो वीडियो इतना तक ही था, हम दोनों सेल्फी ले रहे थे और मेरा पति पीछे से शूट कर लिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।